ओ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू आर डूइंग वेल। तो चलिए, आज आईसीएच गाइडलाइन का एक इम्पोर्टेंट और न्यू टॉपिक डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है आईसीएच Q6A, जो है स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीड्योर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स, केमिकल सब्सटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, देखते हैं इस गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस गाइडलाइन इज इंटेंडेड टू असिस्ट द एक्सटेंट पॉसिबल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल सेट ग्लोबल स्पेसिफिकेशन फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स। तो ये काफी सबको समझ में आ ही गया है कि ये गाइडलाइन बनाने का जो पर्पस है वो है, इस गाइडलाइन के द्वारा हम लोग इसको एक हम लोग एक ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस का जो ड्रग सब्सटेंस और न्यू ड्रग प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा वो एक ऐसे ग्लोबली एक असिस्टेंस देना चाहते हैं, जिसमें ग्लोबल स्पेसिफिकेशन कैसे हो रहेगा, स्पेसिफिकेशन ग्लोबली कैसे रहेगा, उसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म में सबको लेके आने के लिए ये गाइडलाइन को बनाया गया है। इट प्रोवाइड द गाइडेंस ऑन द सेटिंग्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड द सिलेक्शन टेस्ट प्रोसीड्योर फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस ऑफ सिंथेटिक केमिकल ऑरिजिन एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम which have not been registered previously in United States, European Union and Japan. अभी चलिए देखते हैं इस गाइडलाइन का बनाने के पीछे बैकग्राउंड क्या है। A specification is defined as a list of tests, reference to analytical procedures and appropriate acceptance criteria which are numerical limits, ranges or other criteria for the test described. It establishes set of criteria to which a drug substance and or drug product should conform to the considered acceptance criteria for its intended use. That is conformance of the specification. So conformance of specification means that the drug substance and or drug product, when tested according to the listed analytical procedures, will meet the listed acceptance criteria. इसका मतलब कोई भी drug substance या drug product जब according to the its listed analytical procedure, मतलब जो भी analytical procedure listed है वो listed analytical procedure से अगर specified analytical procedure से अगर उसको testing किया जाएंगे तो एक specific acceptance criteria के अंदर उसको बैठना चाहिए। Specifications are critical quality standards that are proposed and justified by the manufacturer or approved by its regulatory authorities as conditions of approval. मतलब क्या है कि स्पेसिफिकेशन क्या है कि एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक क्रिटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एक जो कि ना दैट इज जस्टिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो हम लोग कोई अगर मैन्युफैक्चरर अगर कोई ड्रग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे तो वो अपना हिसाब से जस्टिफाई करके एक स्पेसिफिकेशन लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी ने उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज इट्स स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ टोटल कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर ड्रग सब्सटेंस एंड और the product designed to ensure that the product quality and consistency. So specification ko aise design kiya gaya hai jisse product ka quality aur consistency maintain rahe, globally maintain rahe. Other parts of the strategy include toward the product characterization during the development, upon which specification are based and adherence of good manufacturing practice. To matlab kya hai कि दूसरा एक थॉट प्रोसेस ये है
कि जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेंगे इट विल बी अ कैरेक्टराइज्ड ऑन बेस्ड ऑन द एडियरेंस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. जो भी अपना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाएगा उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको भी मीट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, सुटेबल फैसिलिटीज, वैलिडेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वैलिडेटेड टेस्ट प्रोसीड्योर, रॉ मेटेरियल टेस्टिंग, इन प्रोसेस मेटेरियल टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये सभी क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है जो कि ना जीएमपी का रिक्वायरमेंट है. तो ये जीएमपी का रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भी स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है. स्पेसिफिकेशन आर चूजन टू कन्फर्म द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड द ड्रग प्रोडक्ट रादर देन टू एस्टैब्लिश फुल कैरेक्टराइजेशन एंड शुड फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड ऑन द यूजफुल इन एंश्योरिंग द सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट. तो ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट का सेफ्टी एफिकेसी को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन को चॉइस करना है कि कौन सा अपना एक प्रोडक्ट के लिए सुटेबल स्पेसिफिकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका लिमिट को स्टैंडर्डाइज किया गया है. अभी देखते हैं इस गाइडलाइन का स्कोप में क्या क्या है. द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय देयर डिजाइन, डेवलपमेंट, इन प्रोसेस कंट्रोल, जीएमपी कंट्रोल and process validation and by the specification applied to them throughout the development and as a manufacturer. This guideline addresses the specification, that is those test procedures and acceptance criteria which play a majority of the role assuring the quality of a new drug substance and or new drug product at the release during the shelf life. Specifications are an इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान देने वाला बात है, एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बट आर नॉट इट्स ओनली कॉम्पोनेंट. मतलब स्पेसिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस का पैरामीटर है बट खाली एक कॉम्पोनेंट नहीं है. ऑल द कंसीडरेशन लिस्टेड अबव आर नेसेसरी टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस एंड ऑर ड्रग प्रोडक्ट विथ हाई क्वालिटी. तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी को, हाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी स्पेसिफिकेशन को डिजाइन किया गया है, स्पेसिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया है कि क्या स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट वाइज कौन सा निर्धारण किया जाएगा. दिस गाइडलाइन आल्सो एड्रेसेस मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स एंड व्हाइल अप्लाइड न्यू ड्रग सब्सटेंसेस. इट डज नॉट एड्रेस ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल रिसर्च. मतलब क्लिनिकल रिसर्च में जो भी अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है वो इस गाइडलाइन का क्राइटेरिया में नहीं आता है. इस गाइडलाइन में भी एप्लीकेबल टू द सिंथेटिक एंड और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक पेप्टाइड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट्स. तो लो मॉलिक्यूलर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के लिए भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है. तो मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी और पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीनियस मॉलिक्यूल के लिए भी इस गाइडलाइन एप्लीकेबल है. दिस गाइडलाइन स्पेसिफिकेशन टेस्ट प्रोसीड्योर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, टेस्ट प्रोसीड्योर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एड्रेसेस द गाइडलाइन स्पेसिफिकेशन टेस्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, हर्बल प्रोडक्ट्स एंड क्रूड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट ऑरिजिन आर सिमिलरली नॉट कवर्ड. तो ये सारा प्रोडक्ट इस गाइडलाइन का कवरेज में नहीं आता है. Guidance is provided with regard to the acceptance criteria which should be established for all the new drug substances and new drug products, that is universal acceptance criteria and those that are considered specific to the individual drug substances and or dosage forms. These guidelines should not be considered all encompassing new analytical technologies and modifications to the existing technology
जैसे कंटिन्यूअसली से बीइंग डेवलप्ड, जहां पे कुछ नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होता है या कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है या फिर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, तो वहां पे गाइडलाइन एप्लीकेबल सच एज टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड व्हेन जस्टिफाइड। तो वो टेक्नोलॉजी जब जस्टिफाइड होगा उसके बाद ही वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। डोसेज फॉर्म एड्रेस्ड इन दिस गाइडलाइन इंक्लूड सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म्स, लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म्स, पेरेंटरल्स दैट इज स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। दिस इज नॉट मीन्ड टू बी एन ऑल इंक्लूसिव लिस्ट और टू द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ द डोजेज फॉर्म्स to which this guideline applies. The dosage forms presented serve as models which may be applied to the other dosage forms which have not been discussed. The extended applications of the concept of this guideline to other dosage forms, example, in inhalation dosage forms like powders, solutions, topical formulations like cream ointment, gels, and to the transdermal systems is encouraged. अभी देखते हैं general concept. General concept क्या है? The following concepts are important to the development and settings of the harmonized specifications. They are not universally applied, but which should be considered in the particular circumstances. This guidance is a brief definitions at the concept and indications of the circumstances under which it is may be applied. Generally it is to implement those concepts should be justified by applicants and should be approved by appropriate regulatory bodies. अभी देखते हैं कि पीरियोडिक और स्किप टेस्टिंग्स। पीरियोडिक और स्किप टेस्टिंग्स इज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टेस्ट्स एट अ रिलीज और प्री सिलेक्टेड बैचेस एंड और प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स रादर देन द बैच टू बैच बेसिस विद अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दोज बैचेस नॉट बीइंग टेस्टेड स्टिल मस्ट बी meet all the acceptance criteria established for the product. अभी देखते हैं release versus shelf life acceptance criteria काफी important है. Release versus shelf life acceptance criteria. The concept of different acceptance criteria for release versus shelf life specifications applies to the drug products only. मतलब drug product के लिए ये concept applies है. It pertains to the establishment of more respective criteria for release of the drug product than are applied to the shelf life. मतलब shelf life से ज्यादा ये drug product को release करने के लिए इसका concerns ज्यादा है. Examples. Or this is may be applied to include assay and impurity, that is degradation of the product levels. In Japan and United States, this concept may only be applied to the in-house criteria and not to the regulatory release criteria. Thus, in these regions, the regulatory acceptance criteria are the same for release throughout the shelf life. However, an applicant may choose to have their in-house limits at the time of the release. मतलब कोई भी एक एप्लीकेंट या फिर कोई भी एक मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से रिलीज के लिए एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चॉइस कर सकते हैं फॉर देयर ड्रग प्रोडक्ट एंड विल रिमेन विद इन द रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो कि ना रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर होना जरूरी है और उसका बाहर ब्रॉडर नहीं हो सकते, उसका नैरो हो सकते हैं, नैरोर हो सकते हैं, उसे स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं थ्रूआउट इट सेल्फ लाइफ. मतलब उसका जितना तक सेल्फ लाइफ डिक्लेयर किया है थ्रूआउट द सेल्फ लाइफ वो नैरोअर हो सकता है. इन द यूरोपियन यूनियन
there is a regulatory requirement, say, for say, distinct specifications for the release and say, for the shelf life, quite different. But European Union ki case mein, regulatory requirement jo hai, wo product ka release aur uska shelf life ke liye alag ho sakta hai. काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये. अभी देखते हैं इन प्रोसेस टेस्ट. इन प्रोसेस टेस्ट में क्या आता है, चलिए देखते हैं. इन प्रोसेस टेस्ट आर प्रेजेंटेड इन दिस गाइडलाइन आर दोज व्हिच मे बी परफॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ आइदर द ड्रग सब्सटेंसेस और ड्रग प्रोडक्ट रेदर देन एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल बैटरी ऑफ टेस्ट which are say, considered, which are conducted say, prior to the release. In-process tests, which are only used the purpose of adjusting process parameters within the operating range. मतलब in-process test को हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी इसका operating range है, उस operating range के अंदर process को adjust करने के लिए, ताकि जो भी process define किया गया है, वो process अपना एडजस्टेड प्रोसेस पैरामीटर का बियॉन्ड ना जाए. एग्जाम्पल हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी ऑफ द टैबलेट्स. तो ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स है जिससे हम लोग ये एडजस्टिंग प्रोसेस पैरामीटर को मेंटेन करते थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच विल बी द कोटेड एंड इंडिविजुअल टैबलेट वेट नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन. मतलब क्या है, इंडिविजुअल टैबलेट का वेट जो है स्पेसिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं किया गया है. हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी ऑफ द टैबलेट कोर्स विच विल बी कोटेड एंड इंडिविजुअल टैबलेट वेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन. नाउ सर्टेन टेस्ट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज आइडेंटिकल टू और Either them, the release requirements, example, ऐसे हो गया pH of the solution may be sufficient to satisfy the specification requirements when the test is to include the specification. However, this approach should be validated to show that the test results of the product performance characteristics do not change from its in-process stage to the finished product. तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल दिया है ड्यूरिंग द इन प्रोसेस टेस्टिंग. अभी देखते हैं कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंसीडरेशन. डिजाइन और डेवलपमेंट कंसीडरेशन में क्या क्या चीजें बोल रहे हैं. एक जो है कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म्स व्हिच हैव बीन शोन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट नॉट टू सपोर्ट द माइक्रोबियल वैलिडिटी माइक्रोबियल वायबिलिटी और ग्रोथ. एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्टेंट्स वेयर इट हैज बीन रिप्रोड्यूसिबली शोन दैट आइदर नो एक्सट्रैक्टेबल आर फाउंड इन द ड्रग प्रोडक्ट और द लेवल्स मीट द एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी. नाउ Particle size testings are fall into this criteria and say may be say performed as an in-process test or say may be say performed as an release test depending on the say, reference into the say, product say, performance. Dissolution testing for the immediate say, release of the say, solid oral drug products made from highly say, water soluble say, drug substances may be replaced say, by Disintegration testing, if these products have been demonstrated during the development to have the consistency, rapid drug release characteristics. अभी देखते हैं limited data available at filing. It is recognized that only a limited amount of the data are available, data to be available at the time of the filing. जब भी हम लोग dossier file करते हैं तो अपने पास sufficient data नहीं रहता है, limited data रहता है, which can influence the process of setting the acceptance criteria. जो कि ना
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को सेट करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, एज ए रिजल्ट मे बी नेसेसरी टू प्रपोज रिवाइज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज एडिशनल एक्सपीरियंस इज गेन्ड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट. एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस लिमिटेड फॉर द स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी, जैसे कि स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी का लिमिट कितना होगा इंडिविजुअली ड्यूरिंग द डोजियर फॉर्म, इसको डिफाइन कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. द बेसिस ऑफ द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग शुड बी नेसेसरली फोकस ऑन द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट. तो मतलब जब भी हम लोग ड्रग फाइल को डोजियर फॉर्म लोग डोजियर सबमिट करते हैं तो हम लोगों को मेन जो फोकस रहते हैं वो रहते हैं कि प्रोडक्ट का सेफ्टी और एफिकेसी को ध्यान में से रखते हुए उसका स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना. व्हेन ओनली लिमिटेड डेटा आर अवेलेबल द इनिशियली अप्रूव्ड टेस्ट्स एंड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुड बी रिव्यूड एज मोर इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड विद अस अ व्यू ऑफ पॉसिबल मॉडिफिकेशंस. दिस कुड इन्वॉल्व लूजनिंग एज वेल एज टाइटनिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज अप्रोप्रिएट. नाउ आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं पैरामेट्रिक रिलीज क्या है. पैरामेट्रिक रिलीज कैन बी यूज्ड एज एन ऑपरेशनल अल्टरनेटिव टू द रूटीन रिलीज टेस्टिंग फॉर द ड्रग प्रोडक्ट इन सर्टेन केसेस व्हेन अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी. स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर द टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड ड्रग प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल. इन दिस केस द रिलीज ऑफ ईच बैच इज बेस्ड अपॉन द सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स फ्रॉम द मॉनिटरिंग स्पेसिफिक पैरामीटर. एग्जांपल टेंपरेचर प्रेशर in the time during the terminal sterilization phase a drug product is manufactured. These parameters can generally be more accurately controlled and measured so that the more reliable in reproducing the sterility assurance than the end sterility testing. Abhi aage chalte hue dekhte hain alternative procedure kya hai. Alternative procedure are those which may be used to measure and attribute when such a procedures to control the quality of the drug substances or drug product to an extent that is comparable or superior to the official procedure. Example such samajhte for tablets that have been shown not to degrade during the manufacture it may be permissible to use a spectrophotometric procedure for release of the official procedure which is official procedure which is chromatographic procedure. However, the chromatographic procedure should still be used to demonstrate the compliance with the acceptance criteria during the shelf life of the product. Actually, ye kafi important cheeze hai. Pharmacopeial test and acceptance criteria reference to the certain procedure are found in the pharmacopoeias in each region. However, they are appropriate as a pharmacopeial procedure should be utilized. Whereas differences in the pharmacopeial procedure and or acceptance criteria have existed among the regions of harmonized specifications in is possible only if the procedure and or acceptance criteria define the acceptance of the regulatory authorities in all regions. Now, we shall see the evolving technologies. Now, analytical technologies and say modification to existing technology are say continually say being developed. Such technologies should be say used when say they are say considered say to offer additional assurances of say quality or are otherwise justified. Now, चलिए देखते हैं impact of the say drug substance on the say drug product specification. ड्रग सब्सटेंसेस का क्या इंपैक्ट है ड्रग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की ऊपर. इन जनरल इट शुड बी नेसेसरी टू टेस्ट द ड्रग प्रोडक्ट फॉर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यूनिकली एसोसिएटेड टू द ड्रग सब्सटेंसेस. एग्जांपल इट इज नॉर्मली नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी टू द ड्रग प्रोडक्ट फॉर सिंथेसिस इंप्यूरिटीज व्हिच आर कंट्रोल्ड इन द ड्रग सब्सटेंसेस एंड आर नॉट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. Refer to the ICH guidelines impurities of the new drug product for the detailed information. Ab chaliye dekhte hain ki reference standard kya hai. A reference standard
or as a reference material is a substance prepared for use as the standard in the assay identification of purity to interest. It should be have a quality appropriate to its use. It is characterized and evaluated for its intended purpose by additional procedures other than those used in the routine testing. For new drug substances, reference standards intended for the use in analysis of impurities should be adequately identified and controlled, and purity should be measured by the quantitative procedure. अभी चलिए आगे बढ़ते देखते हैं गाइडलाइंस के बारे में स्पेसिफिकेशंस. स्पेसिफिकेशन का गाइडलाइन हम लोग डेफिनेशन ऑलरेडी जान चुके हैं. अभी देखते हैं कि न्यू ड्रग सब्सटेंसेस में क्या क्या है, क्या क्या टेस्ट स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है. सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन. अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड द कलर ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस. इफ एनी ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ड्यूरिंग द स्टोरेज दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन. तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन. अभी चलते हैं आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग शुड ऑप्टिमली शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंसेस व्हिच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए एचपीएलसी यूवी बहुत सारे मेथड में हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड अलग अलग क्रोमेटोग्राफी सिंगल क्रोमेटोग्राफी मेथड रूटीनली यूज किया जाता है. अभी थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो है ऐसे अ स्पेसिफिक स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोसीड्योर. सबसे पहले ही बोल दिया कि ऐसे क्या है. दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोसीड्योर शुड बी इंक्लूडेड टू डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस. मतलब न्यू ड्रग सब्सटेंस का कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज अ स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोसीड्योर. इट मेक्स अ कॉज इट इज पॉसिबल टू एम्प्लॉय the same procedure, example HPLC, for both assay of the new drug substances and the quantification of the impurities. So, मतलब assay of the new drug substance और उसका quantification of impurity दोनों को ही हम लोग देख सकते हैं. In cases where use of the non-specific assay is justified, other supporting analytical procedures should be used to achieve the overall specificity. For example, a titration is adopted to the assay of the drug substances, the combination of the assay, a suitable test for the impurity should be used. जहाँ पे हम लोग assay titration में titratometric method से हम लोग assay करते हैं, उसकी केस में impurity test करने के लिए आपको अलग से suitable method adopt करना पड़ेगा. अभी चलते हैं impurity की ओर. impurities क्या है? organic and inorganic impurities and residual solvents are included in this category. It's referred to ICH guideline, impurities of the new drug substances and or residual solvents in the pharmaceuticals. So for the detailed information jo hum log already pehle cover kar chuke hain. And chaliye dekhte hain new drug product. New drug product mein bhi same cheeze hai, kuch bhi changes nahi hai. Abhi dekhte hain specific test criteria. In addition, specific test criteria. In addition to the universal test listed above, the following tests may be considered on a case-to-case basis for the drug substances of the new drug products. Individual test criteria should be included in the specifications when the test have an impact on the quality of the drug substances and or drug product for batch control. Test other than the listed test criteria may be needed in a particular situations or as new information becomes available. Now आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं न्यू ड्रग सब्सटेंसेस. न्यू ड्रग सब्सटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. इसमें आता है ऐसे मेल्टिंग पॉइंट और रेंज
refractive index इसके बाद आगे आता है कैपिलरी मेल्टिंग पॉइंट रिफ्रैक्टोमेट्री टेस्ट परफॉर्म इन दिस कैटेगरी टू बी डिटरमाइंड बाय फिजिकल नेचर. अभी चलिए देखते हैं पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज भी काफी इंपॉर्टेंट है. पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रिजोल्यूशन रेट्स बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी एंड और स्टेबिलिटी. अभी देखते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स क्या है? सम न्यू ड्रग सब्सटेंसेस exist in different crystalline forms which differs in their physical properties. Polymorphisms may also include solvations or hydrations of the products. And so they refer test for chiral new drug substances. Chiral new drug substances mein dekhenge whereas a new drug substances is predominantly one enantiomer. The opposite enantiomer is excluded from the qualification and or identification threshold given in the ICH guidelines on impurities in the new drug substances and impurities in the new drug products because of the practical difficulties in qualifying it at those levels. Chaliye aage chalte hain, dekhte hain ड्रग सब्सटेंस. ड्रग सब्सटेंस में सबसे पहले आता है इम्प्यूरिटीज, उसके बाद है एसे आइडेंटिफाई, उसके बाद है ड्रग प्रोडक्ट को देखते हैं. ड्रग प्रोडक्ट में सबसे पहले है एसे आइडेंटिटी वाटर कंटेंट. काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वाटर कंटेंट. उसके बाद है इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज. उसके बाद है माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट. हम लोग एमएलटी बोलते हैं न्यू ड्रग प्रोडक्ट. न्यू ड्रग प्रोडक्ट में सबसे पहले है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं न्यू ड्रग प्रोडक्ट में फॉलोइंग द टेस्ट आर एप्लीकेबल टू द टैबलेट्स कोटेड अनकोटेड एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. One or some more of these tests may also be applicable to the soft gelatin capsules and the granules. So, maybe applicable. चलिए सबसे पहले आता है dissolutions. The specific solid oral dosage forms normally include a test to measure the release of the drug substances or from the drug product. Single point measurements are normally considered suitable for the immediate release dosage forms. Also, modified release dosage forms, appropriate test conditions and sampling procedures should be established. For example, multiple time points, sampling should be performed for extended release dosage forms and two-stage testing may be appropriate for the delayed release dosage forms. चलिए अभी इसमें एक important चीजें हैं, वो भी discussion करते हैं. यहाँ पे है इन सम केसेस डिजोल्यूशन टेस्ट मे बी रिप्लेस बाय द जेलिस इंटीग्रेशन टेस्टिंग. उसका क्यों क्राइटेरिया दिया हुआ है? क्राइटेरिया क्या है? फॉर इमीडिएट रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स फॉर चेंजेस इन द डिजोल्यूशन रेट्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी इट इज डिजायरेबल टू डेवलप द टेस्ट कंडीशंस व्हिच मे बी डिस्टिंग्विश्ड the batches with unacceptable bioavailability. Again, disintegration. Disintegration kya hai? For a rapidly dissolving, that is dissolutions greater than 80% in 15 minutes at a pH of 1.2, 4.0 or 6.8, containing the drugs which are highly soluble throughout the physiological range, that is those or solubility volume less than 50 ml from the pH of 1.2 to 6.8, disintegration may be
सब्स्टिट्यूटेड फॉर रेजोल्यूशन, इसके केस में हम लोगों को रेजोल्यूशन टेस्ट रिप्लेस हो जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, क्योंकि रेजोल्यूशन रेट जहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर मोर देन 80% ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट है और विद इन द पीएच ऑफ 1.2 से लेकर 6.8 के बीच में, तो उसके केस में रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, डिसइंटीग्रेशन इज सफिशियंट और वो एक्सेप्टेबल भी है। आगे चलते देखते हार्डनेस प्रायोरिटी, इट इज नॉर्मली एप्रोप्रिएट परफॉर्म हार्डनेस एंड ऑल्सो फायबिलिटी टेस्टिंग एज पार्ट ऑफ द इन प्रोसेस एंड कंट्रोल अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इट इज नॉर्मली नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड दीज एट्रीब्यूट्स इन द स्पेसिफिकेशंस इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्डनेस एंड फायबिलिटी हैव अ क्रिटिकल इंपैक्ट ऑन द ड्रग्स प्रोडक्ट्स क्वालिटी। क्यूबल टैबलेट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशंस। अभी चलते आगे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है। Uniformity of dosage units. This term includes both the mass of the dosage form and the content of the active substances in the dosage form. A pharmaceutical procedure should be used. In general, a specification should include one of these, one of the other, but not both. If appropriate, these tests may be performed in the process. The acceptance criteria should be included in the specifications of when weight variation is applied for the new drugs or products. Exceeds the threshold values to allow the testing uniformity by weight variations applicants should verify during the drug development that the homogeneity of the product is adequate. उसके बाद आगे चलते हैं वाटर कंटेंट, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वाटर कंटेंट के लिए। इन सम केसेस एलओडीज और लॉस ऑन ड्राइंग प्रोसीड्यूर्स मे बी कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, हाउएवर फॉर द वाटर कंटेंट डिटरमिनेशंस कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। अभी एमएलटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। Microbial limit testing is seen in the attributes to the good manufacturing practice as well as quality assurances. In general, it is available to the test the drug's product unless its content is also tested for the manufacturer and manufacturing process is known. So the validation studies do not carry the significant risk of the microbial contaminations or proliferations. It should note that whereas this guidelines does not directly address the excipients, the principles discussed here may be applicable to the excipients as well as new drug substances. Skip the testing appropriate approach in both the cases are permissible. Acceptance criteria should be set of the total content of aerobic microbial aerobic microorganisms, the total count of the yeast and mold, and absence of the specific micro specific objectionable bacteria, examples Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella species, and Pseudomonas aeruginosa. These should be determined by the suitable procedure using pharmacopeial procedures and at a sampling frequency and at the point of the manufacture are the justified by data and experiences. And the type of the microbial test and acceptance criteria should be based upon the nature of the drug substances, method of the manufacture, and intended use of the drug product. For acceptable and specific justifications, it should be possible to propose no microbial limit testing for the oral solid dosage forms. अभी चलते हैं oral liquid की ओर। One or more of the following specific tests will normally be acceptable for the oral liquids and the powders intended for reconstitutions as oral liquids, जिसको हम लोग dry powders बोलते हैं। सबसे पहले आता है uniformity of dosage units. Liquid doses के लिए uniformity of dosage units सबसे important criteria है। The term include both the mass of the dosage forms and the content of the active substances in the dosage form. Also, pharmacological and pharmacopeial procedure should be used. In general, specifications should include one of the test but not the both. When weight variation is applied,
for the new drug or product, so it's exceeding the threshold value, so to allow the testing's uniformity, so by variation, applicants should verify during the drug development as the homogeneity of the product is adequate. Liquid product pH काफी important है, adequate acceptance criteria, so for the pH should be provided as higher applicable and proposed ranges justified. आगे चलते हैं MLT, microbial limit test. Liquid product के लिए microbial limit test काफी important है. Acceptance criteria should be set for the total count of the aerobic microorganisms, the total count of yeast and molds, and the absence of the specific objectionable bacteria, example, Staphylococcus aureus, Enterobacter, Listeria coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, etc. So these should be determined by suitable procedures using pharmacopeial procedures at the sampling frequency or at the time of the manufacture, which is justified by the data and experience. अभी आगे चलते हैं. Antimicrobial preservative content. For the oral liquid leading to the antimicrobial preservatives, acceptance criteria for the preservative content should be established. Acceptance criteria for the preservative content should be based upon the level of the antimicrobial preservatives necessary to maintain the microbiological quality of the product at all the stages throughout its proposed usage and shelf life. Thus, lowest specified concentration of the antimicrobial preservative should be demonstrated to the effective in controlling the microorganisms by using the pharmacopeial antimicrobial preservative efficacy testing. Testing for the antimicrobial preservative content should normally be performed at release. Under certain circumstances, in process testing may also suffix in lieu of release and testing. When antimicrobial preservative content testing is performed as an in-process test, the acceptance criteria should be remain a part of the specifications. Extractables. Generally, for the development of the stability data should be evidence, and the extractables from the container or closure systems are considerably below the levels are demonstrated to the acceptance of acceptance and safe. Eliminations of these tests can be normally be accepted. These should be reinvestigated in the container closure systems or formulations. आगे चलते हैं, देखते हैं. Alcohol content भी काफी important test है, where it should be declared quantitatively on the levels of the accordance with the pertinent regulations. Alcohol content should be specified, it is may be accessed or calculated. उसके बाद आता है dissolution. Dissolutions of the liquid products, उसके बाद आता है particle size and its distribution. आगे चलते हुए देखते हैं redispredability. Redispredability बात आता है rheological properties. Rheological properties के बाद आता है reconstitution, time, so water content. अभी last but not the least, parenteral drug product. Parenteral drug product जिसको हम लोग injectable बोलते हैं. The following tests may be applied to the parenteral drug products. जैसे क्या है, uniformity of dosage units. पहले हम लोगों ने already जाना है, similarity है uniformity of dosage units. इसके बाद parenteral drug product liquid है तो उसमें आता है pH. Important sterility testing of the parenteral drug product, endotoxin or pathogens, pyrogens testing, particulate matter, उसके बाद आता है water content, antimicrobial preservative content, antioxidant preservative content,
उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टेबल, एक्सट्रैक्टेबल के बाद आता है फंक्शनैलिटीज टेस्टिंग ऑफ डिलीवरी सिस्टम, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के बाद आता है ऑस्मोलारिटी, ऑस्मोलारिटी टेस्ट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है रेडियस, रेडियस प्रेडिक्टेबिलिटी, रेडियस प्रेडिक्टेबिलिटी, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम। चलिए मोटा मोटी ग्लोसरी पे पहुंच गए हम लोग, तो गाइडलाइन काफी थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट हम लोग खत्म कर लिए गाइडलाइन को, काफी इंपॉर्टेंट से गाइडलाइन है। कैसा लगा आप लोगों को देख के बताइए, जरूर कमेंट करिए, जैसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, ताकि आप लोगों को जितना भी इसे फ्रेंड सर्कल है, दोस्त लोग है, उनको भी इसे गाइडलाइन के बारे में नॉलेज होता रहे, बढ़ता रहे। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसे बेल बटन को सप्रेस करना ना भूलिए। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर लेके आते हैं एक नया गाइडलाइन के साथ। थैंक यू।